नमस्कार हिंदी साहित्यवार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जे 2021 की तैयारियों के, के अंतर्गत हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ यूजीसी नेट पेपर वन की कर रहे हैं और इसमें हमने इससे पहले सात लेक्चर्स कर लिए थे अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन लेक्चर्स को भी देख लें क्योंकि यू नेट के पेपर में फर्स्ट पेपर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के माध्यम से ये कोशिश की है कि लगातार कुछ एक प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर के भी करवाए जाएं। आज हमने मेनली इसमें जो आपका संप्रेषण है उससे ही ज़्यादातर प्रश्न रखे हैं और पीछे वाले लेक्चर्स में हमने आपका जो रिसर्च और दूसरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड था उससे प्रश्नों को रखा था तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या इकहत्तर तो यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है तो आपका जो संप्रेषण है और सबसे ईजी इसको माना जाता है जो आपका यूजीसी नेट पेपर वन में टॉपिक है है ना तो इसके लिए आपने बस थोड़ा सा टाइम लगाना है और इसको आप इजी इजीली समझ सकते हैं तो देखिए संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है तो विकल्प हैं अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापिस दोहरा कर, और प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वंचित प्रतिक्रिया देना संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर तीन जो प्राप्तकर्ता है या जो डिकोडर है उसके द्वारा चीज़ों को समझना और वंचित प्रतिक्रिया देना प्रतिक्रिया मतलब आपका फीडबैक तो आप देखते हैं कि जो संप्रेषण में सबसे जरूरी क्या चीज़ मानी जाती है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत जो है माना जाता है या फीडबैक जो है अब तक जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका संप्रेषण जो है वो प्रभावी नहीं माना जाता तो इसलिए जो विकल्प नंबर तीन है देखिए वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर सेवनटी प्रश्न है देखिए इसमें कहा ये गया है कि निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है तो देखिए कौशल जो स्किल है है ना वो कौन सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है तो एक्टिव लिसनिंग है या फिर ऑब्जेक्टिव लिसनिंग है या फिर पैसिव लिसनिंग है या फिर आपका एक्टिव लिसनिंग दो बार यहाँ पर हो गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो क्या होगा आपका एक्टिव लिसनिंग मतलब आपका जो सक्रिय श्रवण तो इस चीज़ को माना जाता है आपका महत्वपूर्ण संप्रेषण में कौशल तो देखिए ये किस तरीके से माना जाता है मान लीजिए जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं अगर वो सही तरीके से आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो एक्टिव लर लिस्नेर लिसनर वो नहीं है तो आपका जो संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं हो सकता तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव लिसनिंग है यही क्या माना जाता है आपका सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण का कौशल माना जाता है चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं इसके पश्चात अगला जो प्रश्न देखिए एक प्रभावी जो संदेश वाहक है वो कौन है जो मातृभाषा में संप्रेषण करता है बिल्कुल नहीं या संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि जो प्रभावी वाहक है या एनकोडर है वो क्या करता है जो आपका संप्रेषण होता है आपका जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में उसको स्पष्ट जानकारी होती है या वो बहुत ही स्पष्ट रहता है उस चीज़ में ठीक है हास्यपूर्ण वक्ता तो ये चीज़ भी इसमें नहीं होगी और अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण है तो ये भी नहीं होगी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है देखिए वो है संप्रेषण के बारे में स्पष्ट होना तो ये चीज़ है आपका प्रभावी संदेशवाहक के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए सेवेंटी फोर यहाँ पर कहा गया है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है तो देखिए इस तरीके का प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग होता है अंत व्यक्तिक अंत व्यक्तिक मतलब जब वो अपने अंतर्मन से अपने आप से ही कुछ चीज कह रहा है तो उसको अंत व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके दो या दो से अधिक लोगों के बीच को आ, क्या संप्रेषण कहा जाता है तो अंत व्यक्तिक भी नहीं होगा अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण ये भी नहीं होगा फिर आपका जो संगठनात्मक संप्रेषण ये तो संगठन के बीच में होगा ठीक है अब जो सही उत्तर होगा इसका देखिए वो होगा पारस्परिक संप्रेषण तो इन दो में आपने कंफ्यूज नहीं रहना है एक अंत व्यक्ति और दूसरा आपका पारस्परिक संप्रेषण तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा पारस्परिक संप्रेषण विकल्प नंबर चार एक बार आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये वाला प्रश्न रहेगा और यहाँ से वहां से भी आप इसको ईजिली समझ सकते हैं या इंट्रा है या इंटर आपका इंटरपर्सनल uh, या इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन uh, होता है वो कौन सा है ठीक है तो यहाँ पर जो पारस्परिक संप्रेषण है देखिए ये इसका सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं सेवेंटी फाइव निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण किस संरचना के अंतर्गत होता है तो देखिए सार्वजनिक संप्रेषण की बात यहाँ पर कर रहे हैं है ना जिसको हम मास कम्युनिकेशन नेक्स्ट है देखिए इसमें पूछा ये क्या है कि सार्वजनिक संप्रेषण किस संरचना के अंतर्गत होता है तो ये जटिल संरचना है या सुविधाजनक संरचना है या फिर आपका औपचारिक संरचना है या फिर राजनीतिक संरचना है तो जितने भी आपके सार्वजनिक आता आता है ये आता है देखिए आपका औपचारिक संरचना में तो विकल्प नंबर तीन इसका क्या होगा सही उत्तर होगा औपचारिक संरचना जटिल संरचना भी नहीं होगा और सुविधाजनक भी नहीं होगा ठीक है राजनीतिक भी नहीं होगा तो सही जो उत्तर है वह आपका औपचारिक नेक्स्ट देखिए सेवेंटी सिक्स प्रश्न तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है तो देखिए जो संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनके उनसे उनके रिगार्डिंग भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी किस तरीके की उसमें बाधाएं आती हैं संप्रेषण के प्रकार कौन 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 से हैं ठीक है और कक्षा संप्रेषण से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि आपका जो संप्रेषण है उसके अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है तो यहाँ पर देखिए श्रोताओं का ज्ञान है तो ये तो अवरोधक नहीं होगा ठीक है श्रोताओं का जो दृष्टिकोण है देखिए ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं और इसके आधार पर जो है ग्रहण करने में जो बाधा उत्पन्न हो सकती है जो संप्रेषण किया जा रहा है श्रोताओं की शिक्षा और इनमें से कोई नहीं तो ये भी इसमें नहीं होगा सबसे जो जरूरी चीज़ है देखिए श्रोताओं का दृष्टिकोण हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है वो अलग अलग होता है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण में ग्रहण करने में वो बाधा उत्पन्न हो सकती है चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहां पर सेवेंटी जो क्वेश्चन बताया गया है कि असत्य कथन बताइए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता तो ये बात क्या है गलत है ठीक है यही इसका सही उत्तर होगा कि जो एक अच्छा संदेशवाहक है वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता नेक्स्ट कहते हैं कि एक अच्छा संदेशवाहक को हास्य विधि की अच्छी समझ होती है तो ये बिल्कुल सही बात है एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है ठीक है तो ये भी सही बात है एक अच्छा संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है तो ये भी सही बात है तो पहला जो इसमें कथन है देखिए यही इसमें गलत है कि जो एक अच्छा संदेशवाहक है वो एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता ये आ, नहीं है क्योंकि जो अच्छा संदेशवाहक है वो अच्छा शिक्षक भी हो सकता है क्लियर है तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या सेवेंटी है देखिए डाटा को एक सी में लिखे जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो देखिए डाटा को एक सी में जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं उसको बर्न कहा जाता है बग क्या है और बुकमार्क क्या है बुलेटिन बोर्ड क्या है इसके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है बग बहुत कॉमन है और बुकमार्क और बुलेटिन बोर्ड को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर इसमें है देखिए प्रश्न संख्या सेवेंटी मेमोरी के प्रति मेमोरी uh, की गति तीव्र से मंद का जो सही क्रम आपने बताना है तो इस तरीके का प्रश्न भी एक आपको पूछा जाता है या आपको जो दूसरे तरीके से भी इसको पूछा जाता है बिट बाइट मेगाबाइट uh, मेगा बाइट टेरा बाइट इत्यादि इत्यादि ठीक है तो यहां पर पूछा गया है मेमोरी की गति तीव्र से मंद की ओर तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका तीव्र से रजिस्टर आएगा फिर उसके बाद कैश मेमोरी आएगा फिर मैन मेमोरी फिर उसके बाद हार्ड डिस्क आएगा तो विकल्प नंबर एक इसका क्या होगा सही उत्तर होगा अगर मंद से तीव्र की ओर पूछा जाए तो आपने इधर से ही उधर कर देना है इसको क्लियर है तो विकल्प नंबर एक इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आज का जो आखिरी प्रश्न है देखिए ये ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन मूलतः गैर लाभदायक संगठन के लिए था तो देखिए आपने सिंपल सा याद रखना है एक तो आपका संगठन के लिए कहा गया है तो यहां पर डॉट जी ओ वी तो .gov किसके लिए पूछा जाता है देखिए ये गवर्नमेंट का मतलब है सरकारी ठीक है .gov ठीक है तो ये सरकारी क्षेत्र के लिए ठीक है और दूसरा आपका आ, आ, अगर डॉट इन है लिख, लिखा हुआ है देखिए तो ये आपका कंट्री के लिए है ठीक है कंट्री मतलब इंडिया ठीक है तो ये आपका देश के लिए हो गया ठीक है नेक्स्ट देखिए डॉट नेट एन ई टी तो ई टी -E आपका नेटवर्क के लिए ठीक है तो इसका प्रयोग इस डोमेन का होता है नेटवर्क के लिए और डॉट ओ आर जी तो ये है आपका गैर लाभदायक संगठन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था ठीक है ये होगा आपका इसका सही आंसर विकल्प नंबर चार तो ये थे दोस्तों आज के दस प्रश्न आज हालांकि हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं समझी क्योंकि आपका जो सम्प्रेशन है और आपके जो आईसीटी से जो प्रमुख छोटी छोटी चीज़ें थी वही इसमें थी और ख़ास कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी और आपके लिए जो सम्प्रेशन और ये वाला जो पोर्शन है देखिए आई का ये थोड़ा सा स्कोरिंग हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे बहुत ही अब हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो ये जितना ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे या इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हम देखेंगे अपने मोबाइल में ही या फिर जो भी आपके पास पुस्तक है खासकर के वी एस की पुस्तक में भी आप उसको पढ़िए बहुत अच्छी पुस्तक है तो वहां से आपको सारी चीज़ें इसकी कवर अप हो जाएंगी तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद